गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन फोर, स्कूल इज ए टेंपल। पिछले वीडियो में अपने इसके वर्ड मीन और ट्रू फॉल्स किए थे। आज के वीडियो में अपने उसी से आगे इसके क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लास मॉनिटर। कक्षा के मॉनिटर का नाम क्या है? तो अपने लेसन में पढ़ा था क्लास मॉनिटर कौन था, सोचिए। तो आंसर लिखते हैं, द नेम ऑफ द क्लास मॉनिटर इज राजू। सेकंड नंबर है, हु हेल्प्स हिज फादर एट द शॉप। अपने पिता की दुकान पर सहायता कौन करता है? तो बिट्टू helps his father at the shop। थर्ड नंबर है, is Neha a good girl? How? क्या नेहा एक अच्छी लड़की है, कैसे? तो yes, Neha is a good girl। She fetches water with her mother from a well and helps her in the kitchen। हाँ, नेहा एक अच्छी लड़की है। वह कुएं से अपनी माँ के साथ पानी लेकर आती है और उनकी रसोई घर में भी सहायता करती है। फोर्थ नंबर है, हुज ड्यूटी इज इट टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। तो हमारे आसपास को स्वच्छ रखने का कर्तव्य किसका है, किसका है? हम सभी का है। तो लिखते हैं, इट इज आवर ड्यूटी टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। हमारे आसपास के को स्वच्छ रखने का कर्तव्य हमारा स्वयं का है। फिफ्थ नंबर है, वेयर शुड वी थ्रो बीट्स ऑफ पेपर्स और गार्बेज। हमें कागज़ के टुकड़े और कूड़े करकट को कहाँ डालना चाहिए? डस्टबिन में। तो लिखते हैं, वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर्स और गार्बेज इनटू डस्टबिन। एक बार फिर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप इसे आराम से देख के लिख लेना। आगे चलते हैं। आगे है एक्टिविटी सेकंड, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अपने को बॉक्स में कुछ वर्ड दिए हुए हैं, उनमें से अपने को वर्ड चुनते हुए सभी सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। तो पहला लिखा हुआ है, क्वाइट शांत, डर्टी गंदा, फ्लोर फर्श, कॉबवेब मकड़ी का जाला, ब्रूम झाड़ू। तो देखते हैं पहला सेंटेंस, ए स्पाइडर मेक्स ऑन द वॉल। एक मकड़ी है वो दीवार के ऊपर बनाती है, क्या बनाती है? कॉबवेब, सी ओ बी डब्ल्यू ई बी, कॉबवेब। सेकंड नंबर है, पूजा वॉश द स्पेस क्लॉथेज इन द वॉशिंग मशीन। तो इसका हो जाएगा डर्टी, पूजा वॉश्ड द डर्टी क्लोथीज इन द वॉशिंग मशीन। थर्ड नंबर है, वी शुड कीप इन द लाइब्रेरी। तो वी शुड कीप क्वाइट इन द लाइब्रेरी।
फोर्थ नंबर है विद द हेल्प ऑफ ए स्पेस आई क्लीन माई रूम डेली, की सहायता से मैं अपने कमरे को प्रतिदिन साफ करता हूँ। किसकी सहायता से? ब्रूम, बी आर डबल ओ एम, ब्रूम। फिफ्थ नंबर है द प्योन मिक्स्ड सम फ्लोर क्लीनर इन द वाटर एंड देन वाइप्ड द फ्लोर। प्योन ने पानी के अंदर कुछ क्लीनर मिलाया और उसके बाद में पानी से फर्श को पोंछा। आगे देखते हैं एक्टिविटी सेकंड का बी। मैच द फॉलोइंग थिंग्स विद द वर्क्स दे आर यूज्ड फॉर। तो इसमें अपने को ए की तरफ कुछ वर्ड दिए हुए हैं, बी की तरफ उनका यूज दिया हुआ है, यानी कि एक तरफ अपने को कुछ वस्तुएं दी हुई है, दूसरी तरफ उनका यूज दिया हुआ है। तो अपने कौन सी वस्तुएं किस यूज में आती है वो देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर है पीस ऑफ क्लॉथ। पीस ऑफ क्लॉथ कपड़े का टुकड़ा किस लिए उपयोग में आता है बोलिए। तो अपने उसका यूज करते हैं टू वाइप द फ्लोर, फर्श को पहुंचने के लिए। सेकंड नंबर है ब्रूम, बी आर डबल ओ एम, ब्रूम किस लिए आता है? तो टू क्लीन डर्ट और डस्ट। नेक्स्ट है चौक, तो चौक से क्या करते हैं? टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे लिखने का काम करते हैं चौक से। डस्टबिन किस लिए आता है? टू थ्रो गार्बेज इन, कचरा अंदर डालने के लिए। नेक्स्ट है स्टूल, स्टूल किस लिए आता है? टू सिट अपॉन, ऊपर बैठने के लिए। तो आपने भी इसको इसी तरह से मैच करना है। सी नंबर है देखिए अरेंज द जंबल्ड लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। अपने को लेटर्स दिए हुए कुछ आगे पीछे करके, तो उससे अपने को एक वर्ड बनाना है जिसका अर्थ निकलता हो। तो पहला है सी ई ओ बी डब्ल्यू बी, तो ये किसकी स्पेलिंग हो सकती है? कॉब वेब की। तो सी ओ बी डब्ल्यू ई बी, कॉब वेब। नेक्स्ट है एस पी ए आर सी एस, तो ये किसकी स्पेलिंग हो सकती है? स्क्रैप्स की। एस सी आर ए पी एस, स्क्रैप्स। नेक्स्ट है बी ओ आर ओ एम, तो ये किसकी स्पेलिंग है? ब्रूम, बी आर डबल ओ एम, ब्रूम। नेक्स्ट है डी नंबर टी एम पी ई एल ई, इसका मीनिंगफुल वर्ड बनाना है तो क्या बनेगा? टेम्पल, टी ई एम पी एल ई, टेम्पल। नेक्स्ट है एम आई टी डबल ओ एन आर, तो इसका क्या बनेगा? मोनिटर, एम ओ एन आई टी ओ आर, मोनिटर। अब एक्टिविटी था लिसन द दीज वर्ड्स स्पोकन बाय योर टीचर एंड स्पीक देम अलाउड। अब मैं इन वर्ड्स को बोल रहा हूँ, आपने भी पीछे बोलना है। देखिए स्टूल, स्कूल, रूल। अब देखो डबल ओ है फिर भी बड़े ओ की साउंड आ रहा है, और यू है तो भी बड़े ओ का साउंड आ रहा है। स्टूल, स्कूल, रूल। इसी तरह से यहाँ पे लुक, पुट, कुक। लुक, पुट, कुक, डबल ओ है, छोटे ओ का साउंड आ रहा है, यू है फिर भी छोटे ओ का साउंड आ रहा है। अब देखो यहाँ पे फ्लोर, डोर, फोर, यहाँ पे डबल ओ है तो ओ का साउंड आ रहा है, ओ यू है तो ओ का साउंड आ रहा है। राइट, ब्राइट, साइट, अब देखो यहाँ पे आई है, आई के साउंड को ध्यान देना है, आई की तरह ही साउंड आ रहा है इसका, राइट, आइट, ब्राइट, साइट। तो ये सिर्फ अपने बोलने के लिए है।
उसके आगे है डिड यू नोटिस एवरी ग्रुप ऑफ वर्ड हैज सिमिलर एंडिंग साउंड, इनका अंत की जो साउंड है वो बिल्कुल सेम है। नाउ स्पीक द वर्ड्स गिवन बिलो एंड फाइंड आउट द वर्ड विद ए डिफरेंट साउंड, अब आपने फॉर द अंडरलाइन लेटर्स ईच ऑफ द ग्रुप, अब इसमें ये पांच अपने को ग्रुप दिए हुए, इनमें देखना है कि कौन से का साउंड अलग आ रहा है। अब देखिए फर्स्ट नंबर में मून, बुक, सून, कूल, अब इसमें से किसका अलग है, मून, सून, कूल, किसका अलग है, बुक का, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर बुक। सेकंड नंबर देखिए, ये सिर्फ आपने बुक में ही करने हैं इसीलिए मैंने इसको भरा नहीं है, आपने इसको पढ़ना है और इसमें से अलग छांटना है। सेकंड नंबर देखिए नाइन, काइट, लाइट, प्रिंट, तो इसमें अलग साउंड किसका है, प्रिंट का, तो ये अपना सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। थर्ड नंबर में देखिए कट, कप, बस, पुट, तो पुट में यू है उसका साउंड ऊ का आ रहा है और सभी में ए का आ रहा है इसलिए पुट है वो अपना आंसर हो जाएगा। लाउडली, आउट, शुड, प्राउड, देखो लाऊ आउ का साउंड आ रहा है, आउट आउ का आ रहा है, प्राउड आउ का आ रहा है, जबकि शुड में ऊ का आ रहा है इसलिए शुड अपना आंसर हो जाएगा। अब आगे फिफ्थ नंबर में देखिए टू, नो, सो, नो, तो टी और टू ऊ की साउंड आ रहा है जबकि और बाकी में ओ का आ रहा है, तो इसका अपना आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो अपना लेसन यहीं पे एंड होता है, नेक्स्ट वीडियो में न्यू लेसन करेंगे, आपने इसको कंप्लीट करना है, रीड करना है, लर्न करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।